नमस्कार दोस्तों, वर्धमान यूनिट के चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम है गौरव। आज मैं लेकर आऊँ किर्लोस्कर का 15 किलोवाट का सिंगल फेस का साइलेंट डीजी सेट, जो पूरी तरीके से हम लोगों ने रिकंडीशन किया दोस्तों अपनी फैक्ट्री के अंदर शोरूम कंडीशन में। इसका कंट्रोल पैनल है जिसमें एक एम्पियर मीटर है, एक ऑयल प्रेशर मीटर है, एक फ्यूल इंडिकेटर है, एक आर मीटर लगा हुआ है, एक पुश बटन स्टॉप बटन है, एक स्टार्टिंग की दी हुई है और एक बैटरी इंडिकेटर भी लगा हुआ है दोस्तों। इसके अंदर पूरा पैनल हम लोगों ने रिकंडीशन किया नया बिल्कुल। ये इसका इमरजेंसी स्टॉप बटन है, ये फ्यूल इनलेट है इसका जहाँ से डीजल डालेंगे आप। ये पूरा शोरूम कंडीशन हम लोगों जैसे रेडी कर दिया दोस्तों, बिल्कुल नए की तरह। किर्लोस्कर का HA294 इंजन है दोस्तों। ये एयर कूल्ड इंजन होता है, इंडिया में किर्लोस्कर के नाम से आता है, बाहर ये ड्यूट्स के नाम से चलता है दोस्तों। बहुत शानदार इंजन है ये, एक घंटे में 1.5 से 2 लीटर का फ्यूल एवरेज है इसका। डीजल कंजप्शन भी बहुत शानदार है, पूरा 100% लोड भी डाल के दिखाने वाला हूँ दोस्तों आपको मैं वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दीजिएगा दोस्तों। देख सकते हैं शोरूम कंडीशन में पूरा रेडी हो चुका है जेनसेट। हाइड्रोलिक के हम लोगों ने डीजल पाइप लगाए हैं, स्टॉपर के लिए हम लोगों ने रिले लगाया है इसके अंदर। प्रॉपर आपको सारी चीज़ें कंपनी की जनरल मिलेगी। फेंदर की हम लोगों ने बेल्ट लगाई है बिल्कुल। इंजन हम लोगों ने ओवरऑल किया, लाइनर पिस्टन पंप नोजल इसमें सारा काम किया दोस्तों। पूरी फॉर्म हम लोगों ने इसके अंदर नई लगाई है दोस्तों, आप देख सकते हैं। सारे लॉक्स वगैरह हम लोगों ने नए लगाए हैं, पूरी डोर गैसकेट हम लोगों ने इसके अंदर नई लगाई है बिल्कुल। शोरूम कंडीशन में जनरेटर ही रेडी हो गया है, 99% चीज़ें इसके अंदर दोस्तों नई लगी हुई है। सारे नट बोल्ट आप देख सकते हैं हम लोगों ने नए लगाए हैं। साइलेंसर की भी इसकी पूरी खोल के सफाई की गई है, साइलेंसर इसका अंदर ही होता है दोस्तों कैनोपी के, खाली ऊपर एक एग्जॉस्ट पाइप नज़र आता है। ये बहुत ही शानदार जनरेटर है, ये ठंडे इलाकों के लिए बेस्ट है। अगर आप कश्मीर में, लद्दाख में या ठंडे इलाकों में रह रहे हैं, वहाँ के लिए जनरेटर नंबर वन है दोस्तों। हर कंडीशन में आप इसको चला सकते हैं, टाइप की कोई दिक्कत नहीं मिलेगी आपको। ये पूरा इसका क्लॉक्स वैल्यू है। सारे हॉर्स पाइप वगैरह क्लैंप वगैरह हम लोगों ने इसमें नए लगाए हैं दोस्तों, प्रॉपर इसकी वायरिंग करी है। ये देख सकते हैं आप, इसका एयर फिल्टर है, इसमें हैवी बैटरी की लीड लगाई है। वायरिंग के अंदर हम लोगों ने फ्यूज़ दिया है जैसा कि हर जनरेटर में हम लोग लगा के देते हैं दोस्तों। क्वालिटी में दोस्तों कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा आपको। मैं अभी इसमें 100% लोड भी डाल के दिखाऊंगा आपको, उसकी आवाज़ भी चेक कराऊंगा दोस्तों। काम एक नंबर का किया हुआ है हम लोगों ने। इसको रख दो और नए जनरेटर रख दो, आप कह नहीं सकते कौन सा जनरेटर पुराना है। ये इसका बैटरी स्टैंड है दोस्तों, किर्लोस्कर का 15 किलोवाट का। ये इसका फ्यूल गेज है सिंगल फेस का, इसमें ऑल्टरनेटर लगा हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं आप। और ये पूरा जेनसेट टॉप नॉच कंडीशन में नए की तरह हम लोगों ने रेडी कर दिया। ये इसका एग्जॉस्ट फैन है, ये इसकी पूरी प्रॉपर वायरिंग करी हम लोगों ने पैनल की, देख सकते हैं। सारी वायरिंग के अंदर फरूल मिलेगा, टाई से प्रॉपर इसको बांधा हुआ है ताकि इधर उधर ना खेले। और ये 15 किलोवाट का किर्लोस्कर का सिंगल फेस का, इसमें ओरिजिनल ऑल्टरनेटर लगा हुआ है, पूरा जेनसेट ही ओरिजिनल है, खाली हम लोगों ने इसको रिकंडीशन करके नए की तरह बना दिया दोस्तों। देख सकते हैं सारे नट बोल्ट नए लगे हुए हैं इसके अंदर, पूरा शोरूम कंडीशन में जनरेटर रेडी हो गया है। सारा इंजन का हम लोगों ने काम किया है, कैनोपी पूरी रिफर्बिश करी है, लॉक कब्जे सब नए लगाए हैं दोस्तों, बिल्कुल नया जनरेटर हम लोगों ने रेडी कर दिया है। ये जेनसेट हिमाचल जा रहा है दोस्तों पेट्रोल पंप पे लगने के लिए, ये हमारे भाई ने हमसे परचेज किया, ये पेट्रोल पंप जा रहा है बिलासपुर में। ये देख सकते हैं पूरा शोरूम कंडीशन में जेनसेट ये रेडी हो चुका है। अभी मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखाने वाला हूँ, लोड भी डालने वाला हूँ इस पर, और पूरा 58-57 एम्पीयर लोड हम लोग इस पर डालेंगे। सिंगल फेस का ये जनरेटर है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करके लोड डाल के दिखाते हैं। देखिए बटन चाबी घुमाते ही जनरेटर स्टार्ट हो चुका है, कोई इसी टाइप का कोई नॉइज़ नहीं मिलेगा। सारे पैरामीटर्स में प्रॉपर काम कर रहे हैं। 5 इसका ऑयल प्रेशर है, बैटरी चार्जिंग मीटर भी चार्जिंग दिखा रहा है कि चालू हो चुकी है। इसका डीजल मीटर है, डीजल हम लोगों ने टैंक में डाला नहीं, दिखा नहीं रहा अभी। ये देख सकते हैं बिल्कुल एक आवाज़ में इंजन चल रहा है, किसी टाइप का कोई शोर नहीं है, कोई नॉइज़ नहीं है। इसका एग्जॉस्ट फैन भी चालू हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं आप, प्रॉपर फंक्शनिंग में मिलेगी आपको, कोई वाइब्रेशन नहीं मिलेगी आपको। ये देखिए बिल्कुल भी धुआं नहीं मिलेगा, बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है, किसी टाइप का कोई स्मोक नहीं है। अब मैं आपको इस पर लोड डाल के भी दिखाता हूँ दोस्तों, 100% लोड डालेंगे। और लोड के साथ साथ मैं आपको फ्रीक्वेंसी भी दिखाने वाला हूँ दोस्तों। लोग फ्रीक्वेंसी नहीं दिखाते, केवल लोड डाल के दिखा देते हैं। लोड तो ले जाता है लेकिन इंजन दब जाता है, फ्रीक्वेंसी कोई चेक नहीं कराता। इंजन में अगर काम किया होगा तभी फ्रीक्वेंसी होल्ड होगी। हम इसमें पंप जो है नंबर 1 का माइको से ही कराते हैं। सारा सामान हम लोगों ने इसके अंदर नया डाला है, इंजन को पूरा ओवरऑल किया, लाइनर पिस्टन पंप नोजल हेड सारा हम लोगों ने इसका 1 नंबर का काम किया है दोस्तों। ये देख सकते हैं लोड डालना चालू हो चुका है, करीब 20-22 एम्पीयर लोड इस पर आ चुका है, 25 एम्पीयर। अभी मैं आपको फ्रीक्वेंसी भी दिखाने वाला हूँ, पूरे 100% लोड पे कितनी फ्रीक्वेंसी आती है जनरेटर की। ये देखिए 42 एम्पीयर लोड आ चुका है दोस्तों जनरेटर के ऊपर, 47 एम्पीयर, ये देख सकते हैं आप, 45 फ्रीक्वेंसी है अभी, बिल्कुल इंजन मस्त चल रहा है दोस्तों, किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीक्वेंसी प्रॉपर होल्ड हो रही है। 50 एम्पीयर लोड आ चुका है दोस्तों जनरेटर के ऊपर, और ये हीटर का लोड है दोस्तों, लाइट पे और ज़्यादा लोड हो जाएगा। यूनिट इफेक्टर का ब्रेक लोड होता है, ये काफ़ी हैवी लोड माना जाता है। ये देख सकते हैं 49.5 फ्रीक्वेंसी आ चुकी है दोस्तों,
55-56 MPL उड़ सकता है, 57 MPL उड़ा चुका है दोस्तों। आपके सामने क्वालिटी है दोस्तों, पूरे 45 फ्रिक्वेंसी है इस टाइम जनरेटर की, 58 MPL लोड पे जनरेटर चल रहा है जो कि 100% लोड हो गया है इसका। ये देख सकते हैं कोई टाइप का कोई धुआं नहीं मिलेगा, कोई नॉइज़ नहीं मिलेगी, एक आवाज़ में इंजन चल रहा है। देखिए बिल्कुल भी धुआं नहीं है जनरेटर के ऊपर, बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है दोस्तों। आपके सामने क्वालिटी है, इस जनरेटर को आप किसी भी एप्लीकेशन में लगा दें, आपको किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। 100% लोड पे भी जनरेटर कहीं भी फेल नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल नए की तरह जनरेटर बना दिया है हम लोगों ने। ये देख सकते हैं प्रॉपर वाइब जनरेटर चल रहा है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, सारे पैरामीटर प्रॉपर काम कर रहे हैं। 5 ऑयल प्रेशर है इसका लोड के ऊपर भी, गर्म होने पर भी इंजन में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ऑयल प्रेशर डाउन नहीं हो रहा है दोस्तों, क्योंकि एक नंबर का हम लोगों ने इसमें काम किया हुआ है। लाइन और पिस्टन सब नए डले हुए तो इंजन में दिक्कत आने का कोई सवाल ही नहीं होता दोस्तों। और प्रॉपर अल्टरनेटर की भी हम लोगों ने सर्विसिंग करी है, DC वगैरह प्रॉपर चेक है इसकी, और लोड पे भी आपके सामने इंजन चल रहा है, किसी टाइप की कोई नॉइज नहीं है, कोई धुएं की लीकेज नहीं है, बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है ये। इसको रख दो और नए जनरेटर को रख दो दोस्तों, कोई कह नहीं सकता कि कौन सा जनरेटर पुराना है, बिल्कुल शोरूम कंडीशन में जनरेटर रेडी हो चुका है, ना केवल दिखने में चलने में। अब ये बटन दबाएंगे दोस्तों, जनरेटर बंद हो जाएगा। इसका स्टॉपर देखिए काम कर रहा है प्रॉपर, और ये जनरेटर धीरे धीरे बंद हो रहा है दोस्तों। तो जेनसेट पूरी तरीके से रेडी हो चुका है दोस्तों डिलीवरी के लिए, अभी हम इसको पूरा पैक करके डिलीवर करेंगे। देखिए जेनसेट लोड हो चुका है गाड़ी के अंदर। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे दोस्तों, धन्यवाद।